हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है डेट इज़ रिगार्डिंग इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव आर इंग्लिश इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन बैंकिंग एग्जामिनेशंस, राइट। तो दोस्तों, जैसे हम सबको पता है, इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन एग्ज़ाम, स्पेशली बैंक एग्ज़ाम्स। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स में भी आता है, आपके मेंस में भी आता है और आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। तो अगर इंग्लिश के ऊपर अच्छा कमांड है तो आप डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा स्कोर करके अपना जो फाइनल स्कोर है वो अच्छा बिल्डअप कर सकते हो। और इनफैक्ट इट कैन हेल्प यू इन इंटरव्यू ऑल्सो एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेंट अफेयर्स ऑल्सो, इफ़ यू हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसलिए कहा भी जाता है कि इंग्लिश प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन योर स्टडीज़ और इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो जो मैंने देखा है गाइस, टू टाइप्स के कैंडिडेट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है जो इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं और वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो जैसे मैं अपना बात करूँ, मेरा भी इंग्लिश बैकग्राउंड ही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, कॉन्वेंट स्कूल से। स्टिल थोड़ा अच्छे एज लाने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए मुझे भी काफ़ी इंग्लिश को पढ़ना पड़ा दोबारा तिबारा, क्योंकि क्या हुआ था मेरे साथ कि हम जो स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं वो कई दफ़ा ऐसा होता है जो गलत बोल जाते हैं, गलत होती है। मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बोल रहे होते हैं वो चीज़, लेकिन वो गलत होती है, लेकिन स्पोकन में वो चल जाती है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर वही इंग्लिश अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत कर जाएगी। जैसे कि एक फ्रेज़ है, हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इसको, जैसे कि आई एम अनएबल टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। तो कोप अप करके ये वर्ड नहीं होता, कोप के साथ अप नहीं आ सकता कभी भी, है ना। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम इसको यूज़ कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। लेकिन वो रिटन एग्ज़ाम में वो नहीं चलेगा, कोप अप नहीं हो सकता कभी भी। कोप के साथ विद लगा सकते हो आप, अप नहीं लगा सकते। तो आई एम अनएबल टू कोप विद दिस सिचुएशन हम बोलेंगे, लेकिन स्पोकन में ये चल जाता है। और इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के साथ यही दिक्कत है, स्पोकन को ही सही मान लेते हैं हम लोग और एग्ज़ाम में फिर गलत हो जाते हैं, इससे तो एक्यूरेसी हैम्पर हो जाती है उसकी वजह से। तो देखिए, इंग्लिश को अगर आपको इम्प्रूव करना है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर्स के साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंड करना सीखना होगा कि कैसे हम समझें कि ये ऑथर ने क्या बोला है, इस लाइन में क्या कहना चाहता है ये। तो ये मेंस के लिए है, लेकिन आपको प्री में ग्रामर काफ़ी हेल्प करेगी, स्पेशली जो आपके मैच द फॉलोइंग्स हैं या आपके जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं या एरर वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें ग्रामर ही आपको मदद करेगी। कई बार ग्रामर के रूल से ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव लगना था यहाँ पे और सारे ऑप्शन नाउंस के हैं तो गलत है, या एडवर्ब लगना था। तो ये ग्रामर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको, और ज़्यादा टफ भी नहीं है और याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ उसको पढ़ेंगे, थोड़ा मनन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रामर के रूल्स भी याद आ जाएंगे। मैंने कभी मतलब ऐसे क्या बोलते हैं बाय हार्ट ऐसे याद नहीं किए हैं सारे ग्रामर के रूल्स, पढ़ते पढ़ते आंख नज़रों के सामने निकलते गए रूल्स, तो मुझे याद होते रहे ऐसा हुआ है मेरे साथ, सॉरी। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रटने बैठा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लैंग्वेज है ना इंग्लिश, कभी उसको आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करिएगा, आप उसको लैंग्वेज भाषा की तरह आप समझिए, तो आप धीरे 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 सीखेंगे और इम्प्रूवमेंट आएगा आपको। तो पहला स्टेज होगा कि आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, उनको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उनको पहले वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, है ना। तो उनको ये भी पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो कुछ नहीं है, 2 हफ्ते की एक्सरसाइज होगी, रोज़ आप एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे नाउन ले लिया आपने, तो नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के नाउन हैं, मतलब कंपाउंड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। एक दिन पूरा एक नाउन के बारे में पूरा आप पढ़ लीजिए, फिर आप उसको न्यूज़पेपर में जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप सिर्फ नाउन को अंडरलाइन करिए, नाउन कि अच्छा ही तो नाउन है, दे प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर लगा है कि नहीं लगा है। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो होते ही उनका जो कैटेगरी है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्लूरल होती है। जैसे कि पुलिस, पुलिस हम जब लिखते हैं POLICE, तो दिखने में और पढ़ने में तो सिंगुलर है लेकिन वो उसको हम ट्रीट करते हैं प्लूरल। तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि पुलिस हैज़ अराइव्ड, नहीं,
पुलिस हैव अराइव्ड आएगा, है ना, क्योंकि हम उसको प्लूरल मानते हैं। तो कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएटेड चीज़ें होती हैं हर टॉपिक में, नाउन में भी होगी, एडजेक्टिव में भी होगी, वर्ब में भी होगी। तो आपको रोज़ एक टॉपिक दिन का एक करना पड़ेगा कि आज आपने नाउन चैप्टर उठाया, सारा पढ़ लिया, फिर जो आपने सीखा है वो आपको न्यूज़पेपर में देखना है, नोट करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हाँ ये नाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, ये आपको बस इतना नोटिस करना है। अगले दिन आपको वर्ब देखने हैं कि भाई वर्ब कौन कौन से हैं। वर्ब में तो कुछ है नहीं ज़्यादा, एक या तो जेरंड होगा, आईएनजी लगा दिया आपने, वी प्लस आईएनजी लगा दिया, या फिर उसका फॉर्म देखा जाएगा सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है ना। तो आपको रोज़ ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि फर्स्ट डे आप नाउन कर लीजिए, सेकेंड डे आप वर्ब कर लीजिए, थर्ड डे यू कंप्लीट योर एडवर्ब, थर्ड डे आप करिए एडजेक्टिव्स। फिर ये जो ग्रामर के रूल्स हैं, इसके अलावा कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस भी होते हैं, फ्रेजेस होते हैं सॉरी, रूल वाले, जैसे कि नो सूनर डिड देन, आगे जाके देन लगना है। तो ये चीज़ें फिक्स हैं, ये तो ये डायरेक्ट आ जाती हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नो सूनर डिड आएगा पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा पास्ट टेंस का डिड, है ना, और आगे जाके देन लगना है। या फिर एक और बहुत कॉमन और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो रूल, नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो, है ना, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये फिक्स्ड फ्रेजेज होते हैं। तो नॉट ओनली देन ऑल्सो आ गया तो एरर आ गई। तो ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज हैं, इनको भी आप करिए ग्रामर के साथ साथ, मतलब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, इनके अलावा ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज होंगे, उनको भी आप देखिए कि क्या है ये, और फिक्स होते हैं तो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जब भी मैं कोई सेंटेंस पढ़ता हूँ नॉट ओनली, तो मैं आगे कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरा दिमाग और मेरी आँख सीधा बट ऑल्सो पे जाती है कि आगे जाके बट ऑल्सो आना ही चाहिए। तो ऐसा एक माइंड ट्रेंड हो जाएगा आपका, है ना, तो आप ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आप नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउंस ये सब कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है, फिर क्या करिएगा आप, हाँ फिर आप क्या करिए, इसके मॉक्स लगाइए आप। मॉक्स देखिए इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें सिर्फ रीड करते हुए मॉक देना है ना, मैथ की तरह है नहीं कि हमें कैलकुलेशन करनी है, या रीजनिंग की तरह है नहीं कि हमें पेन चलाना है, नहीं, एज ए रीडिंग आपको मॉक देने हैं इंग्लिश के। तो जितने भी क्यूजेज़ हों, जैसे अड्डा की क्यूजेज़ आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो पीएमक्यू होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उनको आप रोज़ लगाइए अगर आपका इंग्लिश वीक है तो, है ना, ये क्विजेज़ दीजिए छोटे छोटे, और मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक दीजिए। तो इनसे आपका ग्रामर जो आपने पढ़ा है, एक बार ही आप पढ़ोगे, फिर तो आप उसके क्वेश्चंस करते रहोगे, तो आपको रूल याद आते जाएंगे, और धीरे धीरे इतना याद आ जाएगा आपको कि आपको रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप कोई एरर का क्वेश्चन कर रहे होगे, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ है, फिर आप थोड़ा और एक मिनट दोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें ये दिक्कत है, यहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्रीमेंट नहीं हो रहा है सही। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, है ना, ये नहीं कि आप ग्रामर के रूल रट रहे हो, ऐसा नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए दिमाग में बिठा लीजिए, फिर उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको रूल्स भी याद होने लग जाएंगे, है ना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है इंग्लिश में ही, ये तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्लैंक्स हैं, फिलर्स हैं, है ना। फिर आता है आरसी। आरसी के लिए आप क्या करिए, देखिए एक बुक ले लीजिए आप, ये ऑनलाइन मिलती है, फ्री में मिल जाएगी पीडीएफ उसकी, एरिस्टोटल करके है ऑथर नाम है उनका, और बुक का नाम है RC 99। तो मैंने यही पढ़ी थी RC 99। इसमें तीन कैटेगरी के RCs दिए हुए हैं, पहला है इजी, सेकंड इज़ मीडियम एंड थर्ड इज़ डिफ़िकल्ट हार्ड। तो ईजी को तो ईजी वाले जो RC हैं वो मत आप पढ़िएगा, आप पढ़िए मीडियम एंड हार्ड वाले RCs, है ना, उसमें बताया है कि कैसे आपको RC को पढ़ना है और कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है क्या पूछ रहा है क्या बोल रहा है, है ना। तो वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पे मिल जाती है PDF, और अगर आपको चाहिए हो तो मेरे ग्रुप में भी मैंने डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो वैसे भी मिल जाती है RC 99 बाय एरिस्टोटल, है ना। तो ये बुक अच्छी है RC के लिए। अब RC को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं जो मैंने खुद ने डेवलप किए हैं, जितने भी मैं इतने टाइम से एग्ज़ाम दे रहा था बैंकिंग की, तो इंग्लिश में जो RC था मैं ऐसे ही करता था। RC के पैसेज जब आता था तो मैं उनमें से उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करता था जो ब्लैंक्स वाले हैं, जो सिनोनिम वाले हैं, एंटोनिम वाले हैं, यानी वन वर्ड वाले जो हैं क्वेश्चंस, जिनमें मुझे RC को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग पूछा है ठीक है, वर्ड दिया हुआ है मीनिंग का समझ में आइडिया लगाना, या ब्लैंक कोई दिया है तो पर्टिकुलर पैसेज में वो ब्लैंक
वाली लाइन पढ़ के फिल कर देना, तो वो वाले क्वेश्चन पहले आप करिए आरसी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए, जब आपके जो वैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आरसी को पढ़ना ही है, तो उसमें आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद आप आरसी पढ़िए। एक बार ये ट्राई करके देखिए, आपका टाइम काफ़ी बचेगा। नहीं तो कई लोग पहले ऐसे ही करते थे लोग पहले, अब मैं भी पहले ऐसे ही करता था, पूरा आरसी पढ़ लेता था जिसमें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगती थी मुझे, फिर बाद में मैं क्वेश्चंस करता था तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता था और 20 मिनट में करना होता था, तो ऐसा नहीं हो पाता था, पॉसिबल नहीं था। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले ब्लैंक्स वाले, सिनोनिम वाले, वैसे वन वर्ड वाले क्वेश्चन आरसी के कर लेता हूँ। फिर आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या पूछ रहा है, कि इसमें कोई पर्टिकुलर एक्स की बात करिए, मिस्टर एक्स इज़ डूइंग डैश एंड डैश इन अमेरिका। तो आप फिर जब क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, जब आरसी पढ़ोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि एक्स एंड एक्स अमेरिका में कहीं कुछ कर रहा है। तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको धीरे 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 जब वहाँ पे वो आंसर होगा, वो आपकी लाइन पे स्ट्राइक कर जाएगा आपको माइंड में कि हाँ ये आंसर है, टिक करोगे तो ऐसे टाइम बचेगा आपका, है ना। तो ये आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा आरसी 99 फ्रॉम एरिस्टोटल। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, देन रीड द क्वेश्चन, देन रीड द पैसेज, तो यू विल सेव द टाइम हियर, ठीक है। फिर आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका पैराजंबल। पैराजंबल देखिए, पैराजंबल में सबसे लास्ट में करिएगा पहले तो ये, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि गलत हो जाएं, है ना, तो और टाइम भी लग जाएगा। तो पहले आप छोटे मोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन करिए, फिर आरसी करिए और फिर आप पैराजंबल करिए। पैराजंबल में भी आप क्या करिए, वो क्वेश्चन पहले करिए जो मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट होता है ना वो आप करिए, मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फर्स्ट होता है ना वो वाला, हम सभी लोग वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा, वो आप ढूंढ लीजिए और उसको टिक कर लीजिए पहले। फिर आप क्या करिए, पैर बनाइए, दो सेंटेंस के बीच में पैर, ग्रुपिंग जिसे बोलते हैं हम, ग्रुपिंग करिए कि डी के साथ एफ कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो जो स्टेटमेंट दिए हैं उसका, जैसे पहले स्टेटमेंट का एंडिंग और लास्ट सेकंड स्टेटमेंट का स्टार्टिंग मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों सेंटेंस का जो आइडिया है वो फ्लो में जाना चाहिए, है ना, फ्लो में जाना चाहिए ये तो है, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन में जाना चाहिए, है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन में यानी जैसे पहला सेंटेंस कुछ बोला है फिर बट करके बोला है, बट दिस एंड दिस, तो कॉन्ट्रडिक्शन में चला गया, तो या तो पैर में फ्लो में जा रहे होंगे दोनों सेंटेंस या फिर कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे होंगे, है ना। तो ऐसे आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, कोई दो सेंटेंसेस की ऐसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको। तो पहला सेंटेंस आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिर आप पैरिंग देखिए, अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, ए के साथ डी जा रहा है, एफ के साथ जी जा रहा है, वो ग्रुपिंग बना लीजिए। फिर उन ग्रुपिंग में देखिए कि उन ग्रुपिंग में आइडिया क्या है, कॉमन क्या का कॉमन आइडियाज़ हैं और आइडिया का सीक्वेंस कैसे जा रहा है। जैसे कोई जनरल बात पहले कही गई होगी, जैसे कोई यूनिवर्स की बात करी, फिर उसने बोला कि अर्थ की बात हुई तो अर्थ का ग्रुपिंग आ जाएगी, अर्थ के बाद फिर कॉन्टिनेंट मतलब या कंट्री की बात बोलते हैं हम, कि इंडिया की बात हुई, इंडिया के अंदर फिर एक स्टेट पर्टिकुलर जैसे कि महाराष्ट्र की बात हुई, है ना। तो ऐसे जनरल क्या बोलते हैं, पिरामिड, इनवर्ट पिरामिड चलेगा, यूनिवर्स, वर्ल्ड, इंडिया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, तो मुंबई सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो एक इन्वर्टेड पिरामिड बनाना होता है जो पैराजंबल में हम यूज़ करते हैं, तो वो ग्रुपिंग बना लोगे आप, उसके बाद वो इन्वर्टेड पिरामिड में आप उसको बिठाओगे। तो इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको मॉक्स ही हेल्प करेंगे और कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये हुआ आपका पैराजंबल का, ठीक है। अब जो कॉम्प्रिहेंशन वाली बात है जो मेंस में काफ़ी काम में आती है, ग्रामर तो आती है लेकिन ज़्यादा वेटेज कॉम्प्रिहेंशन का होता है मेंस में, कि ऑथर ने क्या कहा, तात्पर्य क्या है इस वाक्य का, ऐसे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो कॉम्प्रिहेंड करना ज़रूरी होता है कि भाई ये लाइन में क्या कहना चाहता है। तो मैंने ये नोट किया है, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, देखो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश इसी से बना हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको कोई चीज़ समझनी हो इंग्लिश में कि ये क्या कहना चाहता है, मेन मुद्दा क्या था इस बात का, इस सेंटेंस का, तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ वर्ब को ध्यान रखिए, वर्ब को देखिए आप कि वर्ब क्या कह रहा है, उस वर्ब से आप कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे कि हाँ ये सेंटेंस में क्या कह रहा है।
है ना, आप ये नोट करिएगा, इंग्लिश में ये एक्सरसाइज काफ़ी यूज़फुल रहेगी। क्या आपको चीज़ समझ नहीं होगी सेंटेंस में, लाइन क्या क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है, तो आप ये देखिए इसका वर्ब कहाँ है, वर्ब क्या है, उस वर्ब से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस ये कह रहा है। तो ये आपको जो प्रैक्टिस है ये न्यूज़पेपर से शुरू होगी, मतलब आएगी आपको। आप न्यूज़पेपर भी 10 मिनट पढ़ सकते हैं, या तो एडिटोरियल या फिर कोई भी जो नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ आती है फ्रंट पेज पे, वो आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एडिटोरियल ही पढ़िए, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू मैं पढ़ता था पहले, अब नहीं पढ़ता, अब मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स ये सब पढ़ता हूँ। लेकिन आप शुरुआत को इसे भी कर सकते हैं, जैसे किसी को हिंदू टफ भी लगता है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। देखिए टफ ऑफ की बात नहीं है, जो बंदा जो चीज़ पढ़ता है उसको वो इजी लगने लगती है। जैसे कि मैं हिंदू पढ़ता आ रहा हूँ तो मुझे हिंदू कभी टफ लगा ही नहीं है, इनफैक्ट मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि उसकी वोकैब थोड़ी मुझे टफ सी लगती है, क्योंकि मैं उसको रेगुलरली नहीं पढ़ता। मैं द हिंदू रेगुलरली पढ़ता हूँ तो मुझे फैमिलियर हूँ मैं उनकी वोकैब से, तो वो मुझे इजी लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो सबकी अपनी अपनी वो होती है ना, आदत की बात है। जो कोई द हिंदू पढ़ता रहेगा तो उसको द हिंदू इजी लगेगा, लेकिन बशर्त है कि आपको पढ़ना है, कुछ भी पढ़िए आप। और मैं कहूँगा कि आप जो बोलते हैं कई लोग के नॉवेल पढ़िए या हॉलीवुड सिटकॉम्स आप देखिए, वो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा पढ़ाई से, ये होता है ना। नॉवल पढ़ोगे तो आप नॉवल ही पढ़ते रह जाओगे, फिर आप पैरा जंबल और ये सब आरसी नहीं देख पाओगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप इंग्लिश मूवीज़ या फिर हॉलीवुड सिटकॉम्स हैं या नॉवेल्स हैं, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन मेन जो है न्यूज़पेपर को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है ना, जो ज्ञान न्यूज़पेपर देगा वो और कुछ नहीं दे पाएगा। तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए रोज़, और ऐसा नहीं कि एक एक घंटा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक एडिटोरियल आएगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें पढ़ने में। जो इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो आपको नहीं आती समझ में, ये आपने पहली बार कोई वर्ड देखा है उसको आप नोट करिएंगे, ऐसे याद नहीं रहेगा, नहीं तो ऐसे 2 दिन याद रहेगा वो वर्ड का मीनिंग, फिर आप भूल जाओगे। तो आप बेटर है एक नोटबुक बना लीजिए जहाँ पे नए वर्ड्स वोकैब्स जो हैं वो लिखिए, आप मीनिंग लिख लीजिए, फ्री टाइम पे आप उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज भी नहीं, पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। जैसे एक अभी कोरोना टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी मोनोटोरियम दिया था, मोनोटोरियम टू दी बैंक्स, तो वो मेरे लिए पहला पहले पहले जब मैंने पढ़ा तो मैं बोला ये तो मीनिंग ही पता नहीं है इसका क्या है, लेकिन वो अब इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ होने लग गया, उसके बाद जितने भी बैंक के एग्ज़ाम हुए उसमें ये मोनोटोरियम अवर्ड यूज़ हुआ है ना। तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो भी आपके लिए एलियन वर्ड्स हैं, वो कैप्स हैं, उनको आप नोट डाउन करते रहिए, और एक बार दो बार जब भी आप फ्री हो उनको देखते रहिए, तो आपको धीरे 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 याद आएगा। आप उसको रट नहीं सकते इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको एक भाषा की तरह ही उसको सीखना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट की तरह देखेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, और वो मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आप उसको सब्जेक्ट की तरह ना देखते हुए आप एक उसको लैंग्वेज की तरह, भाषा की तरह देखेंगे, तो आपको धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और आपको अच्छे स्कोर आने लगेंगे आपके, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।